गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सब कैसे हैं? और आज का जो दिन शुरू होता है मेरे क्लीनिंग से, तो आज मुझे करना है क्लीनिंग, क्योंकि सामने आ रहा है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा में तो साफ़ सफाई बनता ही है ना, ये चीज़ तो होता ही है, हर किसी के घर में होता है। दुर्गा पूजा में डीपली क्लीनिंग ना होना तो पूजा पूजा लगता नहीं है। तो ये डेफिनेटली दुर्गा पूजा में साफ़ सफाई तो बनता ही है। तो देखो, यहाँ पे साइड में मैंने कंबल भी मैंने धूप में दे दिया है। और यहाँ मेरे हस्बैंड आए हैं गार्डन के तरफ। ये जो गुलाब का जो पेड़ है ना, इसको मैं काट दूँगी, क्योंकि ये ना थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है कपड़े पसारने में, मतलब सुखाने में। तो ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि इसमें काटा आ जा रहा है। तो अगर कहीं चुभ गया तो समझ लो फिर तो झमेला ही झमेला। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला, आपने इसको काट दो, काट के फिर वो बाद में अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। मैंने ताऊ जी को बोला था कि आप कट कर देना, बट उन्होंने काटा नहीं। फिर बाद में फिर मैंने काटा, अच्छे से कटा नहीं मेरे से भी। तो हस्बैंड ने क्या किया, इसको अच्छे सीधे नीचे से ही काट दिया। और अभी ना कपड़े सुखाने में दिक्कत नहीं होगा। और हमें ना बहुत जल्दी इधर उधर से घेरा भी लगवाना है, क्योंकि ये बकरियाँ आ जाती हैं, बकरियाँ बहुत परेशान करती है। और ये एक है बेर का पेड़, जो ये भी बहुत परेशान करती है गाइज, ये तो बहुत चुभता है। और अगर इसका बेर का काटा एक बार चुभ जाए ना, तो काफ़ी जलन होती है। तो मेरे को कई बार चुभा है मेरे पैरों में, तो इसलिए मैं इसको काट के फेंक दे रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड फ़िलहाल अभी यहाँ रख दे रहे, फिर बाद में पीछे फेंक देंगे, और जब वो सूख जाएगा तो फिर वो जला देंगे। इसको भी काट रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रो कर गया है। ज़्यादा जंगल नहीं करना है, साफ सफाई करके ही रखना है। और देखो, यहाँ पे एक बात ये है ना, कि हम लोग जब इधर के साइड को सही करेंगे ना, तो हम ये पूरा प्लास्टर कर देंगे, ये पूरा जगह पूरा प्लास्टर कर देंगे। हम साग सब्जी ना मछली के जो पेटी आते हैं ना, उसमें लगाएंगे, इसमें नहीं करेंगे। हम एकदम पूरा प्लास्टर कर देंगे, क्योंकि माधव को चाहिए खेलने की जगह। और यहाँ देखो, माधव भी उठ चुका है। साफ सफाई, क्योंकि पूजा आ रहा है, पूजा आ रहा है, तो पूजा के टाइम में थोड़ा साफ सफाई तो होता ही है। चलो अभी हम ना उस रूम को थोड़ा धूल धूल जो जो है ना उसे झाड़ लेते हैं। तो अभी तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है गार्डन में जाके माधव को सुलाने के टाइम। उसके पीछे ताली मारते मारते मेरा, मतलब क्या बोलूँ ना, मेरा पूरा तेल निकल जाता है, मेरा आधा काम तो पूरा खराबी हो जाता है। इतना लेट हो जाता है ना, खाना खाने में पूरा 2:30 बज जाता है। और देखो, अभी हस्बैंड को कितना पकड़ाऊँगी यार, उनका भी तो काम है ना, उनका भी तो काम करना ज़रूरी है ना। अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा। तो उनको भी मैं डिस्टर्ब नहीं करती बिल्कुल भी, मतलब बहुत कम उनको बोलती हूँ कि यार जब आपका मन करे तब आ जाना, नहीं करता है माताओं, जब खाना बनेगा तभी खाना। देखो, मैं हर चीज़ का ना ध्यान रखती हूँ कि यार मेरा बच्चा भी ठीक रहे और हमारा काम भी अच्छे से चले। मैं ज़्यादातर मैं अपने बच्चे को ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड ना क्या करते हैं कि वो अपना जो काम धाम है ना, वो कई हद तक छोड़ छाड़ के चले आते हैं, और बोलते हैं मैं सीधे रात को ही कर लूँगा। और वो सीधे रात के 1-2 बजे सोते हैं। सोचो वो कितना काम करते हैं, एक तो माधव को पकड़ो, उसके बाद रात रात भर काम करो, फिर सुबह उठो, फिर 4 बजे काम करो। मतलब कभी कभार 1-2 बज जाता है, और हमेशा क्या करते हैं, सुबह के 4, 4:30, 5 बजे से अपना काम शुरू करते हैं। 8 बजे तक उनका कुछ हद तक काम ख़त्म हो जाता है, फिर माधव को मेरे साथ थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। उसके बाद जिस दिन अगर काम ना हो पाए सुबह के टाइम, तो उस टाइम वो अपना काम रात भर करते हैं। और मैंने काफ़ी दिन तक ना ये खिड़की भी साफ़ नहीं किया है, तो मैंने खिड़की को भी साफ़ कर दिया है। तो आज अच्छा लग रहा है ना खिड़की, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया। मैंने डिलीवरी के बाद ना मैंने अपना रूम जो है ना डीपली क्लीन मैंने किया नहीं है। ये सही में आप लोगों को बताओ, 5 महीने बाद मैं डीपली क्लीन कर रही हूँ धीरे, एक एक काम को पकड़ रही हूँ। जैसे कि कल मैंने अलमीरा पकड़ा,
उसके बाद आज मैंने ये खिड़की दरवाजे फिर ये सब पकड़ा। उसके बाद कल मैं पकड़ूंगी और जो मेरा वो अलमीरा है सामने वाला रेड वाला अलमीरा उसको साफ़ करूंगी, क्योंकि सब ना एक साथ नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, सब अलग अलग दिन में होता है। और मैं ना एक मतलब रूटीन बनाती हूँ खाना वाना खा के, जिस अगर मुझे अच्छा लगे तो उस टाइम मैं काम करती हूँ। ये तो मुझे करना था क्योंकि ये धूल वाला काम है, इसलिए धूल वाले काम को मैंने पहले ही निपटा दिया है नहाने से पहले। तो देखो इधर तो मेरा क्लीन हो चुका है, खिड़की साफ़ हो चुका है और बेड भी क्लीन हो चुका है। और अभी मुझे ना बेड के ऊपर लगाना है बिस्तर मतलब बेडशीट बिछाना है। बहुत लोग कमेंट करते हैं यार, अजीबोगरीब कमेंट करते हैं, क्यों ना करेंगे यार, मैं खुद ही अजीबोगरीब बोलती हूँ, कोई ना यार बोलने में क्या है, सुन और आप लोगों को सुनने में क्या है, थोड़ी ना टैक्स लगता है तो कोई ना। तो फटाफट से हम झाड़ू लगा देते हैं, काफ़ी मैला भी निकला और हम मैंने ना खाट के नीचे से भी गंदगी निकाली है, खाट के नीचे भी काफ़ी गंदगी हो चुकी थी तो मैंने अपने बेड के नीचे भी नीचे से भी गंदा निकाला। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना इसके ऊपर से भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ करके रखूँगी, मतलब थोड़ा सा सजा के रखूँगी, सामान इधर उधर कबाड़ हो चुका है पूरा। तो ये फ़ोटो ना इधर फिट नहीं हो रहा है, मेरे को कहीं और बिठाना है इसको, देखते हैं हटा देते हैं फ़िलहाल हम। तो यहाँ पे सारे जो मेरे सजाने वाले जो सामान है ना वो सारे मैंने वहीं पे रख दिए हैं एडजस्ट करके। और अभी मैं यहाँ आ गई हूँ टीवी यूनिट के पास, टीवी यूनिट को भी मुझे थोड़ा सा सेटअप करना है अच्छे तरीके से क्योंकि कबाड़ हो रखा था और ये सारे वायर वायर टाइप के हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया, ये एक मेरे पास फूल है तो इसको ना इसको इस तरीके से लगवा दूंगी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने एक कील लगाया, कील लगाने के बाद इसमें एक ये जो फूल है इसको हैंग कर दिया और ये हमारा वायर छुप गया कितना अच्छा है ना, अच्छा भी लग रहा है कि जो हमारा सेट टॉप बॉक्स है उससे फूल निकल रहा है, फूल उग गया गुलाब के तो नहीं अच्छा लग रहा है, सीरियसली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरा सबसे अच्छा सा एक पोर्शन हो गया है। तो मेरे टीवी यूनिट के यहाँ पे काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब ठीक ठाक ओके मेरे पास जैसा जो सामान है वैसा ही तो मैं सजाऊंगी ना। अब घर सजाने के लिए अभी मैं ख़रीदने जाऊंगी, अभी फ़िलहाल तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे निकलो यार नहीं सजाना घर भर, जैसा है जो है उसी से चलाओ। जब टाइम एक समय होता है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है, अब इकट्ठा थोड़ी ना हम घर सजाने के लिए सामान लेंगे, बहुत लोग लेते हैं बट मैं नहीं ले पाऊँगी। और ये एक है हंस का जोड़ा, मतलब एक बच्चा है और एक बगुला जिसे कहते हैं, हंस नहीं है बगुला जिसे कहते हैं, जो खेतों में आते हैं जब वो खेत चास होता है, ठीक है खेत वेत में सिंचाई होता है तब ये लोग ना आते हैं धान लगाने के टाइम, ये जो बगुले हैं ना ये लोग आते हैं मछली खाने, मछली केचुए कीड़े मकोड़े ये सब खाने आते हैं। तो ये एक एक माँ है और एक बेटा है या फिर बेटी है, आई डोंट नो, जो भी है दोनों, एक बच्चा है और एक माँ है। तो ये जो जिन्होंने मुझे बना के दिया था वो मेरे नाना जी ने बनाया था, मतलब मेरे नाना ससुर ने बनाया था, मेरे हस्बैंड के नाना ने। तो मैंने उनको बोला कि दादू आप ना मेरे को ये वाला दे दो, आप यार रहो या ना रहो आपका एक छवि मेरे पास हमेशा के लिए रह जाएगा, क्योंकि मैं अपने जो नाना है ना उनको कभी भूल नहीं पाऊँगी। उन नाना के अंदर मेरे खुद के दादाजी का छवि दिखता है, क्योंकि मेरे दादाजी ना एकदम उन्हीं के जैसे दिखते हैं, उन्हीं के जैसे उनका व्यवहार था। तो मैं जो है ना मैं अपने नाना ससुर को ना बहुत चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने अपने नाना ससुर से ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बोला नाना जी मुझे ये दे दो, क्योंकि लोगों का क्या भरोसा, कब कहाँ क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं हमेशा याद रख पाऊँ, वैसे तो भूलूँगी नहीं लेकिन मैं हमेशा लोगों को दिखा पाऊँ कि ये जो है ना ये जो चीज़ है ना ये मेरे नाना ने मतलब मेरे नाना ससुर ने मुझे बना के दिया था। तो बोला कि ठीक है ये ले जाओ आप। और एक बनाया है चूहा मेरे लिए, बट मैं वो लेके नहीं आई, बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था तो मैंने बोला नाना आप ही रख दो यार, उसको बहुत अजीबोगरीब दिख रहा है, वो चूहा मुझे दिख ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है वो चूहा है कि नहीं, आप मुझे कुछ अलग चीज़ बना
बना के देना अब दोबारा। तो बोला ठीक है मैं दोबारा बना के दूंगा, क्योंकि ना मैं ये सब चीज़ें ना संभाल के रखती हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है कि यार मेरी चीज़ें जो है ना उन्होंने संभाल के रखा है। और जब आए थे ना इस बार नाना जी, तो बोले थे इन ये जो बगुला है ये तुम कलर क्यों नहीं करती हो, ये पूरा कलर उधड़ गया है। तो मैंने बोला नाना टाइम जब मिलेगा मैं कर दूँगी कलर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है कर देना। उनको भी अभी अच्छा लगेगा, ये वीडियो जब देखेंगे तब उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो यार मेरी नाती बहू ने कलर कर दिया है, अच्छे से रखा है। तो हाँ मैं साक्षी से भी पूछ रही थी कि अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरा बेड, वो पोर्शन मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, उन्होंने बोला हाँ अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा। तो गाइज अब इस ब्लॉग को यहीं कर देते हैं। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्लीज़ गाइज आप लोग बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए एक छोटा सा काम ज़रूर कर दीजिएगा, मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी। और मुझे आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आप लोगों ने मुझे शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच गाइज आप लोग मुझे वॉच करने के लिए, मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो अब इस ब्लॉग को ही इन कर देते हैं और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। सो बाय बाय।